यदि आप रामायण या महाभारत पढ़ते होंगे या आपने टीवी सीरियल में उन सभी कैरेक्टर को देखा होगा, तो आपने ये महसूस किया होगा कि जितने भी बड़े योद्धा रहे हैं उस समय में, उन सभी के गुरु एक ही थे। उन सभी ने 10 या 12 गुरु नहीं बनाए, केवल एक ही गुरु था उनका। और गुरु क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके बात पर आप भरोसा करते हैं, जिनके बताए हुए रास्ते पर आप आँख बंद करके चलते हैं। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आपका कोई एक गुरु है ही नहीं। जो लोग आपके अपने हैं या जिनको आप मानते हैं, आप उनकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। जब आप 10 लोगों की बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को दिल पर लेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तो आप ही सोचिए क्या कभी सही रास्ते पर आप आ पाएंगे? नहीं। आप सोच करके बताइए मुझे कि मान लीजिए आपके घर में 10 लोग हैं और आप सबसे बात करके देखो, एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका मत दूसरे के मत से मैच कर रहा होगा। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ज़िंदगी को देखने का। आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि आप सबकी बातों को अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हो, और ख़ास करके उन लोगों की बातों को जिनको या तो आप पसंद करते हो या फिर जिनसे आपको अपनापन फील होता है। अब क्या है कि आपने तो टैलेंट के हिसाब से उनको अपना गुरु नहीं माना ना, आपने तो इमोशंस में आकर के उनकी बातों में चले आए। तो अब वो इंसान एक्सपीरियंस है या नहीं है, उस इंसान को कितना तजुर्बा है, या वो जो सलाह दे रहा है वो सही है या गलत है, इसका तो आकलन आपने किया ही नहीं। तो ऐसे ही लोग अपने लिए खुद ही मुसीबत को बुलावा देते हैं अपने दिल के कारण। हद से ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और कोई भी इंसान इनको बेवकूफ़ आसानी से बना सकता है। बेवकूफ़ कौन बनता है? जो दूसरों की बातों में आते हैं, इमोशनल होते हैं। सामने वाला आकर के दो आंसू क्या बहा दे, इनको तो लगेगा कि कैसे भी करके ना इनकी लाइफ की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व कर दें। वहाँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम इनको नहीं दिखती है, लेकिन अपने अपनों को ये प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी लाइफ को बना लें, उसके बाद जन कल्याण के तरफ आप मूव करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। क्योंकि आपकी जिम्मेवारी कौन लेगा इस धरा पर? आपकी जिम्मेवारी तो आपके ऊपर बनती है, आप उससे तो नहीं बच के निकल सकते ना। और जब आप अपनी लाइफ में सेट हो जाएं, उसके बाद जा करके दुनियादारी निभाएं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये खुद को सेट किए बिना ही दुनियादारी में फंस जाते हैं। और ये बातें इनकी हार्टलाइन को देख करके पता चली। जिन लोगों की हार्टलाइन इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसे लोग हद से ज़्यादा इमोशनल, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। यदि ये जिस इंसान को मानते हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई ना, उस इंसान से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा दुख इनको होने लगता है। रातों की नींद इनकी गायब हो जाती है कि भाई वो इंसान कैसे प्रॉब्लम में आ सकता है, कैसे उसको प्रॉब्लम से मैं बाहर निकालूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप अपनी लाइफ में कुछ बन जाओ, आप अपनी लाइफ को स्टेबल कर लो, उसके बाद ही ना आप सामने वाले को सहारा दे पाओगे। जैसे मान लो, एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर किसी के पास घर नहीं है और आप खुद रेंट के घर में रह रहे हो, ठीक है, तो आप किसी को कितने समय तक अपने घर में आसरा दे पाओगे? क्योंकि वो घर भी तो आपका नहीं है ना। तो पहले आप अपना घर तो बना लो, तब तो जाकर के सामने वाले को अपने घर में सालों या पूरी ज़िंदगी रखने का सोचोगे। तो ये लोग अपना घर नहीं बनाते, समझ रहे हैं बात को? समझ में तो आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये अपनी लाइफ को सेट नहीं करते, इनकी खुद की लाइफ एकदम से डवाडोल वाली स्थिति में रहती है, लेकिन ये सामने वाले की लाइफ को बनाने में लग जाते हैं। आपको ये जो आदत है आपकी, इसको बदलनी होगी, नहीं तो मुश्किलात बहुत हैं ज़िंदगी में। हथेली में बंधन योग काफ़ी वक्त तक कायम रहा। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी हथेली में आपकी माइंड लाइन और आपकी लाइफ लाइन आपस में बंध जाती है। अब जो चीज़ बंध गई, उससे आप क्या उम्मीद रखोगे? यानी जब तक बंधन योग हथेली में कायम रहता है, आपका कोई भी फैसला सटीक नहीं होता है, सही नहीं होता है, और आप चाह करके भी ना जिंदगी में अच्छा नहीं कर पाते हो। बंधन योग से आज़ादी मिलते हुए आपके माइंड लाइन को दिखाई दे रहा है जब आपकी एज रही होगी 22 के बाद से धीरे धीरे करके ज़िंदगी आपकी पटरी पर आनी स्टार्ट हुई। 22 से लेकर के 27 तक तो माइंड लाइन आपकी ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है बस, क्योंकि हार्ट लाइन की वजह से आपका माइंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, दिमाग का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी 27 तक तो चलो 10% ही सही, आपने कुछ तो यूटिलाइज़ किया माइंड का। लेकिन जैसे ही 27 के आप हुए, आपके माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर लाइन बनता हुआ दिख रहा है। माइंड लाइन आपकी बिल्कुल भी अच्छे से वर्क करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, और ये जो प्रेशर लाइन है आपकी माइंड लाइन के ऊपर, ये कायम रहने वाला है अप टू 31.5-32, यानी इतने टाइम तक आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहने वाली है। तो आप सोचो, आपने खुद को, खुद के इमोशंस को कंट्रोल ना करके अपनी ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुसीबत को बुलावा दे दिया है। और ये जो भी आपके माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर लाइन बन रहा है, ये आपकी खुद की ज़िंदगी के टेंशंस नहीं है, आपको अपनी लाइफ की चिंता तो है ही नहीं, ये ऑब्वियसली किसी ना किसी दूसरे इंसान से कनेक्टेड वाली प्रॉब्लम है। ये आपका ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर रहे हैं तो इस वजह से आपके माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर लाइन बन रहा है, नहीं, आपको चिंता किसी और की है, अपनी चिंता तो है ही नहीं।
आपको अपने अंदर सुधार लाना होगा। ये दुनिया ऐसी नहीं है। भले आप ऐसी हार्ट लाइन के साथ पैदा हुए हैं, ऐसी माइंड लाइन के साथ पैदा हुए हैं, इसमें मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपका जो नेचर है ना, वो ठीक नहीं है। वो इस युग में, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपको अपने अंदर सुधार लाने की बहुत ज़रूरत है। इमोशंस, जब भी ऐसा लगे ना कि सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी है, सामने वाले की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान देना उस वक्त। आपकी पहली जो प्रायोरिटी है वो आपकी खुद की लाइफ है, उसको स्टेबल कर लीजिए, उसके बाद दुनियादारी में फंसना है। ये जो मूल मंत्र मैंने आपको भी दिया है, इसको ज़िंदगी भर याद रखना है। आपकी माइंड लाइन की स्थिति बेहतर होते हुए दिख रही है 32 से, लेकिन बहुत अच्छे फॉर्म में आपकी माइंड लाइन आई है 41 से, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम 41 तक तो कायम है। अब आप कहेंगे कि ये तो हथेली में लिखा हुआ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो प्रेशर लाइन होता है माइंड लाइन के ऊपर, जो कि 41 तक कायम है आपकी हथेली में, ये आप मिटा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी हथेली में साइन बना है ना माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर लाइन का, ये आपकी फिलहाल क्या जो नेचर है उस हिसाब से बना है। यदि आप इसमें सुधार कर लेंगे तो 32 से ही आपकी लाइफ बेटर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इनफैक्ट 32 से ये जो प्रेशर लाइन आपकी माइंड लाइन के ऊपर बन रहा है, ये जो प्रॉब्लम शो होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये नहीं रहेगा। तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। वैसे माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है तो अभी तो नहीं, लेकिन 32 से आप जिस भी फील्ड में होंगे, अपने फील्ड के आप मास्टर कहलाएंगे, नॉलेज बहुत होगा, ज्ञानी होंगे आप। और जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, धार्मिकता की तरफ आपका ध्यान भी बढ़ता चला जाएगा। हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा डोमिनेटिंग नेचर आपका 41 तक रहने वाला है, 41 तक। उसके बाद नहीं, उसके बाद एकदम से नॉर्मल, मतलब दूसरों को उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने की आज़ादी आप देंगे। और ये जो कंट्रोलिंग नेचर है आपका, ये इनिशिएट होगा 32 से, उससे पहले नहीं, अभी तो फिलहाल ठीक है, लेकिन 32 से सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करने की आदत आपकी बढ़ेगी। और ये 32 से लेकर के 41 तक कायम रहने वाली है। तो इस आदत पर भी काबू पाना है, इस आदत को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो क्या सुधार करना है आपके लाइफ में? जो भी प्रॉब्लम है वो आप खुद ही सुधार सकते हैं। यहाँ ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं, यहाँ जो भी है सब आपकी वजह से है। तो आपको क्या करना है, एक तो सामने वाले की प्रॉब्लम को सुनना है, उसको दिल पर नहीं लेना है, और जब ऐसा लगे कि सामने वाले की प्रॉब्लम बड़ी है, उसको ख़त्म करना है, तो अपनी लाइफ को एक बार आराम से बैठ करके ना देखना है कि मेरी लाइफ में भी क्या कोई प्रॉब्लम है जहाँ मुझे सोचने की ज़रूरत है। तो पहले अपना करियर आप स्टेबल करिए, उसके बाद सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगना है। ये वाली साइन जिनके भी हथेली में होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है, रातों रात हो जाता है, और आपका भी होगा, लेकिन वो जो टाइम है ना वो बड़ा लेट आ रहा है, वो 41 शो हो रहा है। तो 41 से पहले हो, इसके लिए अभी से अपनी आदत में सुधार करने की आपको ज़रूरत है, अपने नेचर को चेंज करना है। ये वाली साइन जिनके भी हथेली में होती है, यानी सन और जुपिटर के बीच में यदि कनेक्शन बनाता हुआ कोई भी लाइन आपकी हथेली में हो, ऐसे लोग क्योंकि अपने फील्ड में ये मास्टर होते हैं, तो इनके सीनियर जब भी कोई प्रॉब्लम में फंसते हैं या कुछ नया काम इनिशिएट करने की सोचते हैं उसी फील्ड से जुड़ा हुआ, तो इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। उनकी नज़र में ये बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति होते हैं। तो इस साइन का फ़ायदा फिलहाल आपको 41 से मिलता हुआ दिख रहा है। सैटर्न के माउंट पर अगर ट्रायंगल का साइन बन रहा है, तो ऐसे ही लोगों का ध्यान जादू टोना, तंत्र विद्या, रहस्यमय ज्ञान, इसके तरफ भागता है। और इन लोगों के संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जो कि इस फील्ड से जुड़े होते हैं। आपको इस फील्ड की तरफ यदि आकर्षण फील होता है, आपका ध्यान जाता है, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो लोग इस तरह के फील्ड में होते हैं, यानी जादू टोना वाले फील्ड में होते हैं, ऐसे लोग ब्लैक और व्हाइट दोनों मैजिक को बैलेंस करना जानते हैं। वो लोग फैमिली नहीं बनाते। आपको फैमिली बनाना है तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्राइंगल का साइन होता है, आपको सफलता ये उतनी ही बड़ी देता है। तो सफलता तो बड़ी मिलने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्ट्रगल काफ़ी लंबा है, ये प्रॉब्लम है। सफलता बहुत बड़ी मिलेगी, और आप देख भी सकते हैं आपकी हथेली में सनलाइन की स्थिति अप टू 40 तक तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सनलाइन की स्थिति यदि एक सर्टेन टाइम तक आपकी हथेली में या तो सनलाइन हो ही नहीं, या गायब दिखाई दे, या फिर हो भी तो पूरी तरह से क्लियरली विजिबल ना हो, ये मान के चलना है कि उस उम्र तक पैसे की तंगी जीवन में लगी रहने वाली है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। आपकी हथेली मुझे बिजनेस वाली हथेली लग रही है। ऐसे जॉब में आप जाएंगे, लेकिन 41 आते आते आप अपना कोई काम इनिशिएट करने वाले हैं जिस माध्यम से पैसे बहुत आएंगे आपकी लाइफ में। क्योंकि
मर्क्यूरी और सन के बीच में अगर स्क्वायर के साइन आपको दिखाई दें या ट्राइंगल के साइन दिखाई दें तो ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से अधिक सफलता पाते हैं। आपको दूसरों की प्रॉब्लम बढ़िया तरीके से फील होती है, दूसरों की प्रॉब्लम को आप महसूस कर पाते हैं, इस वजह से आप सलाह अच्छी देंगे। यदि कोई आपके पास आकर के पूछे कि देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसे कैसे बाहर निकला जाए, तो जो भी सलाह आप देंगे वो बहुत सटीक होने वाली है। आप एक अच्छे सलाहकार हैं और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग तो होगी, लेकिन अनबन की स्थिति काफ़ी रहने वाली है। वो अनबन की स्थिति इसलिए रहेगी, अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों, जब इतना प्यार होगा तो झगड़े क्यों होंगे, उसकी वजह खुद आप हैं। आप क्या करते हैं, किसी भी रिश्ते में आप अपना 100% देते हैं, इमोशनल हैं आप, और आप उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला यदि 100% नहीं भी दे रहा है तो कम से कम 80-50% तो दे मुझे रिटर्न में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि सामने वाला तो अलग है, वो आपके जैसा तो नहीं है। तो क्योंकि सामने वाले से उम्मीद आपकी ज़्यादा होती है और वो उस उम्मीद पे खड़ा नहीं उतर पाता है तो आपको दिक्कत होती है, तो झगड़े की मूल वजह यही होने वाली है। आप अपनी वाइफ के लिए बहुत करोगे और उम्मीद रखोगे कि वो भी करे, अब उसका मन है ना, उनकी सोच है, वो नहीं समझती हैं कि आप जितना कर रहे हो सामने वो भी उतना ही आपके लिए करे, वो नहीं उसको सही समझ रही हैं तो वो नहीं करेंगी, उससे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि उसकी खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को इतना इग्नोर किया, मैंने तो अपनी खुशी नहीं देखी, मैंने तो उसकी खुशी देखी, तो फिर जब मेरी बारी आई तो वो क्यों इतनी सेल्फिश हो रही है। वो सेल्फिश नहीं है, वो नॉर्मल है, हर इंसान पहले खुद को ही प्रायोरिटी देता है और ये सही भी है, आप नहीं देते तो आपकी गलती है। सन माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है तो ये आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है, एक से ज़्यादा है तो इनकम के सोर्स को इन्हेंस करता है। आपके हथेली में क्या है कि जितने भी पॉजिटिव साइन है इसका रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आपका लक आपके फेवर में होगा, और आपका लक फिलहाल आपकी जो हथेली है इसके हिसाब से तो 41 से आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। आप यदि चाहते हैं कि इसका रिजल्ट आपको पहले मिले तो जो सलाह मैंने आपको दी है उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले अपनी लाइफ को बनाइए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस रखिए, जब आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए उसके बाद आपको सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगना है, और सामने वाले से आपका जो अटैचमेंट है ना, जितना अपने माता पिता से होगा उतना उस इंसान से भी होगा जिनसे आपका कनेक्शन बनता होगा। यानी ऐसे लोग अपने पराए में फर्क नहीं कर पाते हैं, दिक्कत यही होती है, दिक्कत बहुत है आपके खुद के अंदर है, मैं कितना बताऊँ, आपको तो सब समझ में आ ही गया होगा। आपको अपने अंदर सुधार करने की ज़रूरत है, यदि 41 से पहले आपको कामयाबी चाहिए तो अपने अंदर सुधार आपको करना ही होगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत आ सकती है। राजा लूप है, राजा लूप जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, राजाओं वाला सम्मान मिलता है, राजाओं वाला जीवन मिलता है, लोग आपके जैसा बनने की चाहत रखते हैं, लाखों की संख्या में आपके प्रशंसक होते हैं, लेकिन कामयाबी देरी से मिलती है। जिनकी हथेली में भी राजा लूप होता है ऐसे लोगों का भाग्योदय 35 या 40 या 45 के बाद होता है, तो आपकी हथेली में तो ऐसे भी 41 से ही आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है, तो लेट तो है, लेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लेट क्यों है, वजह मैंने आपको बता दी है। अगर आप इस पर काम करना स्टार्ट करोगे तो जो भाग्य लिखने वाला है वो तब्दीली कर सकता है, वो आपके भाग्य को बदल सकता है, तो कन्विंस करिए, अपने आप में सुधार लाइए, वो कन्विंस हो जाएंगे, आपका भाग्य बदल जाएगा, पहले तरक्की मिल जाएगी। आपको बिजनेस के माध्यम से ही सफलता मिलने वाली है, क्योंकि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर काफ़ी तगड़ा ट्रायंगल का साइन बन रहा है। ऐसे तो कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा वीक है, बोलने में आप, यानी शब्दों का जो पिटारा होता है उसमें शब्द बिल्कुल गायब हैं आपके। आप कभी कभी क्या, मैक्सिमम टाइम आपने भी फील किया होगा, आप कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ और देते हैं, सामने वाला बिना वजह आपको गलत समझ लेता है। आपके झगड़े भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप कभी भी अपनी बात को सही शब्दों में नहीं रख पाते हैं, प्रॉब्लम ये है आपके अंदर। बट इसके बावजूद बिजनेस में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, शानदार जिसको कहते हैं। फिलहाल अभी आपको बिजनेस को लेकर के सोचने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया है, 41 के लगभग वो टाइम है, ठीक है। अभी फिलहाल 29 जब आपकी एज होगी, 29 से लेकर के 29 एंड हाफ कोई बड़ी खुशी मिलेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी अच्छी सी जॉब लगने वाली है। बट वो जो प्रेशर है ना माइंड के ऊपर वो तो कायम है, वो नहीं जा रहा। टाइम मैनेजमेंट आपका गजब का है, यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय पर पहुंचना आपको पसंद होता है, अच्छा लगता है, किसी को वेट नहीं करवाते आप। जैसे फिलहाल
आपकी कितनी उंगलियों में ये चक्र के साइन है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि सन की उंगली में चक्र के साइन है और आपकी हथेली में केवल एक चक्र के साइन है, तो इस बात की गारंटी है कि आपके पास पैसा भी होगा और आपके पास फेम भी होगा, यानी यश भी मिलता है और पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अब ये डिपेंड करता है, मैंने मतलब जनरली देखा है जिनकी हथेली में दो चक्र के साइन होते हैं ऐसे लोगों को अर्ली एज में यानी 30-35 आते आते हैं ना बड़ी सफलता मिल जाती है। जिन लोगों की हथेली में तीन होता है इनके साथ भी सेम ही है, बट क्या होता है ना कि एक सर्टेन टाइम के बाद यानी 40-45-50 आते आते वो पैसे लुटा भी देते हैं अपनी अपनी किस मतलब किसी भी तरीके से ना पैसे उनकी हथेली से निकल जाते हैं, दिक्कत ही आती है। उससे ज़्यादा है तो स्ट्रगल को शो करता है। एक साइन यदि एक चक्र का साइन किसी की हथेली में है तो यहाँ पर टाइम प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपकी हार्ट लाइन आपको इमोशनल बना रही है, माइंड लाइन की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये रिजल्ट तो देगा बट वो डिपेंड करता है कि आपका भाग्य कब आपका साथ देगा। मैंने ये साइन बड़े अधिकारी की हथेली में देखा है, तो उनको कामयाबी कब मिली, 22 आते आते वो IAS ऑफिसर बन गए, ठीक है 22 या 23 एज के लगभग उनकी वो क्वालिफाई उन्होंने किया था जैसा कि उन्होंने बताया। उसके बाद ये साइन मैंने देखा किसी मतलब सेलिब्रिटी ही मान करके चलिया उनकी हथेली में, और ये साइन मैंने एक हाउसवाइफ की हथेली में देखा, उनकी एज तकरीबन रही होगी 53 या 54। तो मैंने उनको कहा कि क्या आपको आपको इस तरह की लाइफ मिली है, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तक तो रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा देखना फ्यूचर में ना किसी वजह से आपको फेम और पैसा बहुत मिलने वाला। तब जाकर के पता चला कि उनका जो बेटा है वो बड़ा अधिकारी बना है इस साल, तो इस वजह से उनको फेम मिला, यानी रिजल्ट तो मिलता है। अब आपके साथ क्या है कि क्योंकि एक ही फिंगर पे मुझे फिलहाल तो दिखाई दे रहा है, बाकी आप बता देना कि आपकी ये जो 10 उंगलियाँ हैं उसमें से कितनों में ये चक्र के साइन है। तो इतना तो तय है कि फेम है और पैसा है आपकी लाइफ में, बट ये जो फेम और पैसा है ये आता हुआ दिखाई दे रहा है देरी से मुझे, वो भी आपकी खुद की वजह से। अपने नेचर को बदलिए आप, और जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग आपकी समान ही है, सेम ही है, तो रिस्क टेकिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ भी यदि मान लो आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और आपको बिजनेस करना है, तो आप ऐसा बिजनेस ढूंढ करके करना पसंद करोगे जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम आउटपुट के चांस हो। तो ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो पैसे डूबने के चांसेस कम होते हैं। जुपिटर का माउंट आपका अच्छा नहीं है, फैमिली लाइफ मैंने पहले भी बोला कि अच्छी नहीं रहने वाली, अभी भी नहीं अच्छी होगी आपकी फैमिली लाइफ, अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी आपकी फैमिली लाइफ में और आगे भी रहने वाली है। तो जुपिटर की रेमेडी फिलहाल मैं आपको करने के लिए नहीं कहूँगी, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, अदरवाइज मैं अभी फिलहाल करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो अपने करियर के ऊपर फोकस होना चाहिए। फैमिली लाइफ बाद में भी आप ठीक कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रेमेडी आपको सन को लेकर के करना है, क्योंकि अभी फिलहाल तो आपको एक अच्छी सी जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सन को लेकर के एक रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वो आपको करना है। अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करना है, इसको ठीक करने के लिए यदि क्लासेस आप कर सकते हो ज्वाइन तो वो कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इफ अगर क्लासेस नहीं कर सकते हो तो इसका भी एक रेमेडी मैं आपको दूंगी, वो बड़ा नेचुरल सा है, आप कर सकते हो तो उससे भी ठीक हो जाएंगी चीज़ें। हथेली जब आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होती है, ये लोग शारीरिक जो मेहनत होता है मेहनत वाला काम वो नहीं कर पाते, हाँ लॉजिक दिमाग लगा करके यानी जैसे सिस्टम के पास बैठ करके काम करना इनको ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील होता है। वो जो भागा भागी वाला काम होता है ना कि कभी इस जगह है कभी उस जगह, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, उस तरह के काम में ये खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करवा पाते हैं। हाँ ऑफिस में बैठ करके अच्छा सा काम चल रहा है उस तरह के काम में ये लोग अपने आप को फिट मानते हैं। लाइफलाइन तो आपकी बता ही रही है, इसमें तो कोई शक नहीं कि कामयाबी बहुत बड़ी मिलने वाली है, बहुत बड़ी, बट वो कामयाबी देरी से मिल रही है। हाँ इतना तय है कि आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हैं उससे 20 या 30 टाइम्स बेटर स्थिति में पहुंचने वाले हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी आपकी फैमिली की इनकम मान करके चलते हैं 1 रुपये है, तो आपकी इनकम कितनी होगी 30 रुपये, 30 गुना ज़्यादा बेहतर स्थिति में आप जाओगे। और ये वाली लकलान जिनके भी हथेली में होती है ऐसे लोग अपनी बुद्धि से अपने ज्ञान से जीवन में बड़ा मकाम पाते हैं, बड़ी सफलता मिलती है उनकी, इनको किसी की मदद नहीं मिलती, बाहरी लोगों की मदद नहीं मिलती, घर के लोग भी इनकी मदद नहीं कर पाते, ये जो भी बनते हैं अपने दम पर बनते हैं। ये नमाज आपका ठीक है, हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहेंगे, तो खान पान का ध्यान अभी से रखना है। लग्जरियस लाइफ की बहुत ज़्यादा चाहत भी नहीं है और उसका अट्रैक्शन भी नहीं होगा आपको, हाँ लेकिन एक चीज़ है, आप अपने घर से यदि दूर कहीं पर जाते हैं, मान लो आप जिस स्टेट में हो आपको जॉब मिली और जॉब दूसरे स्टेट में मिली, तो आप ना डिफरेंस देखना कि आप जब अपने स्टेट में उस जॉब को कर रहे थे तो आपके ऑफिस के लोग आपके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखेंगे आपको, लेकिन जैसे ही आप दूसरे स्टेट में जाओगे ना वहाँ के लोग आपको पसंद करेंगे, वहाँ के लोग आपके खिलाफ जाना मतलब आपको अच्छा मानेंगे, आपके खिलाफ प्लानिंग वो ऑफिस जो पॉलिटिक्स होता है ना उसके शिकार आप नहीं होंगे।
तो ऐसे लोग ना अपने घर से जितनी दूरी, यानी बाहर के लोग कह सकते हैं, यानी आपके स्टेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं। हाँ, आपके घर से बेहतर आपको बाहर के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और उससे बेहतर आपके स्टेट के बाहर, उससे बेहतर देश के बाहर। तो भविष्य में कभी भी आपको, ये इसलिए मैं कह रही हूँ, सुनो, भविष्य में कभी भी आपको बिजनेस करना हो तो चुनाव ऐसा करना कि आप जिस भी चीज़ का व्यापार करने वाले हैं उसकी डिमांड आपके स्टेट से बाहर और हो सके तो कंट्री से बाहर हो, उस तरह के बिजनेस में आपको फ़ायदा बहुत मिलेगा। ऑटोमास ठीक है, बहुत अच्छा। मार्स माउंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, शानदार नहीं है। हनुमान चालीसा सुनिए, भगवान हनुमान जी बहुत बलशाली हैं, वो आपके ये जो दोनों माउंट है इसकी स्थिति को ठीक करने में मदद करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो मंगलवार या शनिवार को कीजिए, मन से कीजिए। ऐसा नहीं कि हनुमान चालीसा को पढ़े जा रहे हैं और दिमाग कहीं और है। जब भी किसी भी देवता की पूजा आप करते हैं, 5 मिनट ही कीजिए, 1 घंटा करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो 5 मिनट उनके लिए होना चाहिए। तो उस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। फिर अब आपकी मैरिज लाइफ आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये अर्ध शुक्र वलय है, ये शुक्र वलय मानकर चलिए। अगर ये आपके मैरिज लाइन के साथ आकर के अटैच हो जाए, ये मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत लेकर के नहीं आता है। अनबन की स्थिति बहुत ज़्यादा रहती है, लाइफ पार्टनर के साथ बनती नहीं है। प्रॉब्लम वही है, आपके अंदर ही इश्यूज़ हैं, मैं बाहर क्या बोलूँ। विदेशी धरती से आपका संपर्क बनेगा, काफ़ी स्ट्रांग कॉन्टैक्ट बनने वाला है फॉरन कंट्री के साथ, आपका आना जाना लगा रहेगा। कोई ना कोई ऐसा काम आप करने वाले हैं जहाँ विदेशी धरती के लोग आपके संपर्क में आएंगे। मर्क्यूरी माउंट के ऊपर यदि स्क्वायर का साइन है तो ये आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देता। मान लो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी इनकम स्टार्ट हो गई 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ, तो वो उससे नीचे आपको नहीं आने देगा, मेंटेन करने की कोशिश रखेगा। यानी आपकी इनकम मिनिमम उतनी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद आपके दुश्मनों से आपको बचाता है। ये दुश्मनों की तादाद काफ़ी बनाएंगे आप, या में भी होगी, ट्रैवलिंग बहुत है। पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहने वाली। कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए, अब बहुत ज़रूरत है, बहुत वीक है आपका कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा वीक है। लेफ्ट पाम आपका राइट पाम से वीक है, स्ट्रांग नहीं है। तो कर्मा ठीक है आपका, बट वही है कि पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से, क्योंकि पूर्वार्ध का पिछले जन्म का कर्मा उतना अच्छा था नहीं, तो इस जन्म में आप वो अवगुण लेकर के आए हैं, एक्स्ट्रा इमोशंस, तो उसको कम करना है। हल्का सा ना इस पिक्चर में मुझे आपकी ये जो जुपिटर की फिंगर है वो हल्की सी बड़ी दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, ऐसे लोग सुनते नहीं है किसी की, अपने क्योंकि ज्ञानी होते हैं ना, हल्का सा भी यदि जुपिटर का फिंगर आपका बड़ा हो गया तो ये आपको ज्ञानी बना देता है। ऐसे लोग सुनते नहीं है किसी की और किसी को माफ़ नहीं करते। 27 से लाइफ डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, ठीक है। 28 भी डिस्टर्ब ही जाएगा। 29 से लेकर के 29 एंड हाफ कोई ना कोई खुशी आपको मिलने वाली है, बट वो जो माइंड लाइन के ऊपर प्रेशर लाइन बनना स्टार्ट हुआ है ना 27 से, वो तो कंटिन्यू है। अब वो आपके हाथ में है, आप उसको मिटा सकते हैं अगर अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करना सीख जाएं, या नेगेटिव थॉट को बिल्कुल भी अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। तो उसके बाद 31 एंड हाफ के लगभग आपका रिश्ता तय होता हुआ, या ये भी कह सकते हैं कि शादी, हाँ, इस उम्र के लगभग 31 एंड हाफ से लेकर के 32 के लगभग आपकी शादी हो जाएगी। थर्टी फोर में बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है, 34 में, और लगातार दो खुशी मिलेगी। 33 एंड हाफ से लेकर के 34 के बीच में लगातार दो खुशी आपको मिलने वाली है, बट उसके जस्ट करीब ही कोई प्रॉब्लम आएगी 35 के लगभग, या 34 एंड हाफ के लगभग। और अगेन फिर यहाँ क्या है कि जैसे ही शादी होगी ना आपकी, तो वो जो प्रेशर लाइन है वो कुछ वक्त के लिए ख़त्म हो जा रहा है, और उसके बाद ये 34 तक आपकी लाइफ को स्टेबल बना के रखेगा। लेकिन फिर अगेन 34 खत्म होने से पहले इशूज़ आ रहे हैं और वो कंटिन्यू है 41 तक। अब इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने उपाय बता दिया है आपको, कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, उसको हावी नहीं होने देना है, एंड कुछ रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, उसको फॉलो कीजिए आप। जॉब लगने के पूरे चांस हैं 29 में, ठीक है। 29 में बहुत बड़ा पद तो नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ऐसा नहीं है कि एकदम से, लेकिन टीचिंग लाइन के करीब ऐसी जॉब जिसको हम आप ऑफिसर ग्रेड में नहीं ले सकते, वो आप तय कर लो, जिसको हम ऑफिसर नहीं मानते हैं, जैसे क्लर्क ग्रेड का जो जॉब होता है ना, वो आपको मिलता हुआ मुझे 29 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हाँ, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन, गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन है आपके दिल में, उसको लेकर के नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट जॉब होगी कि नहीं होगी, उसके सभी हर एक साइन है जिसको देख करके कहा जाए कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, बट बड़ा पद नहीं मिल रहा, उसमें दिक्कत है।
और इफ अगर बड़ा पद मिलता भी है आपको, बड़ा बड़ा पद मतलब ये जो क्लास 1 ऑफिसर रैंक वाली बात मैं कर रही हूँ, तो वो लेट, लेकिन मुझे अगर एग्ज़ाम 40-41 तक आप दे सकते हैं वो आप मुझे बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट जॉब की प्रोसीजर मतलब क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 40-41 में कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं स्टेट का, क्योंकि IAS वर्ग का तो मुझे पता है उसका तो नहीं हो सकता, स्टेट का बताना। अगर है तब तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, तब तो इस एज में है वो चांस आपको, और इफ़ अगर नहीं है तब इस एज में आप अपना बिजनेस करने वाले हो। आपकी हथेली में दोनों साइन है, आप बिजनेस में भी बहुत अच्छा करोगे, और क्योंकि जब आप एक ऑफिसर ग्रेड पर चले जाते हो, बड़ा पद आपको मिल जाता है, तो ऑब्वियस है ना कि वो भी तो बड़ी बात है ना, उसके जरिए भी तो आप विदेशी लोगों के संपर्क में आते हो। वहाँ आपका विदेश आना जाना तो किसी ना किसी काम से लगा ही रहता है, क्योंकि आप ऑफिसर होते हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हो वहाँ पर, तो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी होती हैं। तो सेम है, आप देख लो मुझे बताना, तब मैं बता दूंगी कि क्या है नहीं है सीन आपकी लाइफ का आगे। बाकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत रहने वाली है, तो ये आपका आपका एनालिसिस। ठीक है, बाय।